नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज जो है वो 24 जून 2020 तारीख है। DLLBGT से रिलेटेड एक न्यूज़ है और आपकी लास्ट में एक CBSE की भी न्यूज़ है। उस दोनों की बात जो है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं DLED की। तो DLED में प्रमोट करने का प्रावधान जो है वो नहीं, प्रयागराज से न्यूज़ है और जागरण न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ प्रकाशित हुई है कि DLED 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की जो परीक्षाएँ हैं वो कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से नहीं हो पा रही हैं। प्रशिक्षु इसलिए जो है वो परेशान है कि उनकी जो पढ़ाई है वो पूरी नहीं हो पा रही है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि PNP सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कहा है कि DLED प्रशिक्षण में जो प्रशिक्षु हैं उनको प्रमोट करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए अगले माह के अंत तक परीक्षा जो है वो कराई जाएंगी। यहाँ से उन्होंने बहुत एक बड़ी क्लियर करके बात जो है वो बताई है। DLED संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में मंगलवार को DLED 2018 बैच तृतीय सेमेस्टर प्रमोट और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई माह में कराए जाने के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज से जो है वो मुलाकात की थी। सचिव ने कहा है कि DLED ऐसा प्रशिक्षण है जिसमें प्रमोट करने का कोई प्रावधान नहीं है। तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई के अंत में जो है वो कराई जाएगी और विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम करीब 15 दिन पहले जो है वो जारी किया जाएगा। सेम न्यूज़ आपकी एक और न्यूज़पेपर से प्रकाशित हुई है जो कि आपका iNext न्यूज़पेपर है कि DLED कोर्स में प्रमोट जो है वो संभव नहीं। सचिव से मिलने पहुंचे प्रशिक्षुओं को मिला जवाब, जुलाई एंड तक होगी जो है वो परीक्षा। इसमें भी यही सारी चीज़ें लिखी हैं कि DLED 2 वर्षीय जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है उसकी परीक्षाएं कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से नहीं हो पा रही थी। वही सारी चीज़ें आप यहां पर भी देख पा रहे हैं कि इसलिए अगले माह के अंत तक परीक्षा जो है वो कराई जाएगी। यहां पर परीक्षा तिथि के संबंध में भी जो है वो क्लियर किया गया है। यहाँ पर नीचे लिखा जा रहा है कि लेट होता जा रहा है सेशन। DLED जो संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक तिवारी हैं उनके नेतृत्व में मंगलवार को DLED 2018 बैच तृतीय सेमेस्टर प्रमोटर जो चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई माह है उसमें कराए जाने के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज से जो है वो मुलाकात की थी। तो उसमें जो सेमेस्टर लेट हो रहा है उसके संबंध में भी जो है उन्हें अवगत कराया गया था। वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं और ये भी लिखा है कि 6 माह और विलंबित होगा और इससे आगामी शिक्षक भर्ती या आगे के जो पाठ्यक्रम है जैसे कि MA MSc सहित अन्य कोर्स भी जो है वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए कहीं ना कहीं भविष्य पर पूर्ण विराम लग सकता है। यहाँ पर सभी के नाम लिखे हैं जो सभी लोग मौजूद थे और यहाँ पर उनका स्टेटमेंट लिखा है अनिल भूषण चतुर्वेदी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी का। उन्होंने स्टेटमेंट क्या कि दिया है कि DLED ऐसा परीक्षण है जिसमें प्रमोट का कोई प्रावधान नहीं है। तृतीय सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो जुलाई माह के अंत में जो है वो कराई जाएगी और विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम करीब 15 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। दोनों चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं कि पेपर की डेट कब आएगी और कब जो है पेपर कराया जाएगा। चलिए, आई होप यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और पेपर में प्रकाशित हुई है तो कहीं ना कहीं इस पर अमल भी जो है वो किया जाएगा और बाकी आगे आने वाले समय में ही देखने को मिलेगा कि इस बात में कितनी जो है वो सच्चाई है। चलिए देख लेते हैं अब वो न्यूज़ जो CBSE बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में है कि CBSE आज फैसला लेगा। CBSE ने जो है वो शीर्ष अदालत को बताया कि 10वीं और 12वीं की जो बची हुई परीक्षाएं हैं वो कराने पर फैसला बुधवार को शाम तक लिया जाएगा। केंद्रीय बोर्ड ने ये जो जानकारी है वो मंगलवार को शीर्ष अदालत को दी है और कोर्ट ने इसके बाद मामले की जो सुनवाई है उसके लिए गुरुवार तक जो है वो स्थगित कर दिया है। जस्टिस AM खानिल विलकर की जो पीठ है उसने ICSE बोर्ड से भी कहा है कि वह भी CBSE के फैसले का अनुसरण जो है वो कर सकता है। कोरोना के कारण कुछ जो अभिभावक हैं उन्होंने 1 से 15 जुलाई तक होने वाली जो बोर्ड परीक्षाएं थी उनको रद्द करने और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर छात्रों का रिजल्ट बनाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत में याचिका जो है वो दायर की थी। तो यही था हमारे आज के ओवरऑल न्यूज़ अपडेट में। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।